हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कपकेक्स पे फ्लास्क की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और फिर उन फ्लास्क को असेंबल करके कपकेक बुके कैसे रेडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्लास्क बनाने के लिए हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और उसे जब तक स्टिफ पीक्स ना आ जाए तब तक बीट करेंगे। फिर हम थोड़ी सी क्रीम साइड में निकाल के उसमें रेड कलर डालेंगे, क्योंकि हमारे बुके में सिर्फ दो ही कलर्स हैं, रेड और वाइट। मैंने वेनिला कपकेक्स ऑलरेडी बना के रेडी किए हैं, उसकी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम रोज़ बनाएंगे, उसके लिए एक पाइपिंग बैग में रेड कलर डालना है और नोज़ल नंबर 11 लेना है। उसके बाद कपकेक को इस तरह होल्ड करके उस पर ऐसा राउंड बनाना है। नोज़ल की जो पतली साइड है वो ऊपर होनी चाहिए और फिर इस तरह पेटल्स बनाने हैं। पेटल्स की सेकेंड लाइन बनाते टाइम ये याद रखना चाहिए कि दो पेटल्स के बीच में से स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, ताकि उसका अच्छा शेप आ जाए। ये स्टेप्स रिपीट करने हैं जब तक पूरा कपकेक कवर ना हो जाए। अब ये रोज़ कपकेक रेडी है और आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है। नेक्स्ट फ्लावर के लिए हम टू टोन आइसिंग यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें वाइट आइसिंग को इस तरह क्लिंग फिल्म में डालनी है और उसे अच्छे से रैप करना है। फिर एक पाइपिंग बैग लेनी है और उसमें डालना है नोज़ल नंबर 80। रेड क्रीम को इस तरह पाइपिंग बैग के साइड्स में सिर्फ कवर करना है। फिर एक क्लिंग रैप की एक साइड को हम कट करेंगे और इस तरह बीच में डालेंगे। और अब पाइपिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा टू टोन फ्लावर पाइप हो रहा है। ये फ्लावर पाइप करते टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, इसके बीच में आपको बिल्कुल भी पॉज नहीं लेना है। फ्लावर को और अच्छा इफेक्ट देने के लिए थोड़े से स्प्रिंकल्स बीच में डालने हैं। और अब हमारा सेकेंड फ्लावर भी रेडी है। थर्ड फ्लावर के लिए हम फिर से टू टोन आइसिंग ही लेंगे, तो वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, लेकिन इस टाइम नोज़ल हमारी डिफरेंट होगी। हम नोज़ल नंबर 1M लेंगे और एक रोजेट पाइप करेंगे। इस तरह से एक ही स्ट्रोक में रोजेट पाइप करना है। हमारा डबल कलर्ड रोजेट कपकेक रेडी है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ कपकेक। यहाँ पर हम दो कलर्स यूज़ करेंगे। रेड कलर के लिए हम लेंगे नोज़ल नंबर 199 और वाइट कलर के लिए हम लेंगे नोज़ल नंबर 21। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें हम बीच में वाइट रोजेट पाइप करेंगे और फिर साइड में छोटे रेड रोजेट्स बनाएंगे। नेक्स्ट कपकेक के लिए हम सेम नोज़ल सेम पाइपिंग बैग यूज़ करेंगे और इस तरह स्टार्स बनाएंगे। अब हमारा लास्ट कपकेक है, इसमें हम दो कलर्स यूज़ करेंगे और दोनों कलर्स के लिए नोज़ल नंबर 45 यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह स्टार बनाना है वही पिछले नोज़ल से, और फिर रेड कलर में नोज़ल नंबर 45 लेनी है और इस तरह की डिज़ाइन बनानी है। अब नेक्स्ट रो हम वाइट कलर की बनाएंगे सेम नोज़ल के साथ, बट इसमें उसके पेटल्स थोड़े बड़े बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पेटल्स नीचे भी गिर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इससे बहुत अच्छा नेचुरल लुक आता है।
अब हमारा फाइनल फ्ला रेडी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल फ्ला की तरह दिख रहा है। अब हम बुके की असेंबली स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक इस तरह का बास्केट लेना है। ये बास्केट मैंने बनाया है, लेकिन आपको इस तरह के बास्केट्स आसानी से स्टोर में मिल जाएंगे। फिर उस पर फोम या थर्मोकोल डालना है और इस तरह टूथपिक्स अरेंज करने हैं, और फिर उन टूथपिक्स में वन बाय वन कपकेक्स डालने हैं। और फाइनली उसे रियल या आर्टिफिशियल लीव्स से डेकोरेट करना है। अब हमारा कपकेक बुके रेडी है। नेक्स्ट टाइम जब आपने किसी को कुछ स्पेशल देना हो, तो ये ब्यूटीफुल सा कपकेक बुके ज़रूर गिफ्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।